लगातार गिरते जल स्तर को ठीक करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया था पिछले दिनों कि वर्षा की एक एक बूंद को सहेजा जाएगा, जल संरक्षण के तमाम तरह के उपाय किए जाएंगे। इसके अंतर्गत ईटीवी भारत ने राजधानी लखनऊ की सरकारी इमारतों और कार्यालयों के अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पड़ताल की, जिसमें यह पता चला कि तमाम ऐसे सरकारी कार्यालय हैं जहां पर बारिश की बूंदों को संरक्षित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम कर रहे हैं, तो तमाम ऐसे भी कार्यालय मिले जहां पर कुछ जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हैं तो काम नहीं कर रहे, तो तमाम ऐसी भी बिल्डिंगें सामने आई जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नज़र नहीं आई। ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में ही बारिश की एक एक बूंद को संरक्षित करने के तमाम सरकारी कार्यालयों या अन्य जो भवन हैं उनमें यह व्यवस्था कहीं नज़र नहीं आती। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि राजधानी लखनऊ का जो जिलाधिकारी कार्यालय है, यहाँ पर पिछले करीब 15 साल पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया गया जो वर्तमान समय में काम कर रहा है। मैं मुन्ना लाल, नाजी सदर कलेक्ट्रेट लखनऊ। इस पार्क में एक वाटर जो बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है, एक टैंक बना हुआ है। इसको बने हुए कम से कम 15 वर्ष से अधिक का हो गया है। और एक हमारे भी सामने मेन कलेक्ट्रेट जो कंपाउंड के अंदर आते हैंगे, वहाँ मल्टी स्टोरी बन रही है पार्किंग, उसमें चार पाँच टैंक चारों तरफ बने हुए थे। चूँकि पार्किंग का कार्य चल रहा है इसलिए वो खुद गया, वो वहाँ पे कोई स्टोरेज है ही नहीं, अब यही स्टोरेज पूरी कलेक्ट्रेट का पानी धरा। चिराग तले अंधेरा, हमारी पड़ताल में यह कहावत सही सटीक साबित होती हुई नजर आई। जिस नगर निगम के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि राजधानी लखनऊ की जो तमाम सरकारी इमारतें हैं या अन्य जो निजी भवन हैं उनके अंतर्गत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कराई जाए, वहीं नगर निगम मुख्यालय के अंतर्गत जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिछले कुछ सालों पहले बनाया गया था वह इस समय पूरी तरह से बंद पड़ा है और जो नगर निगम मुख्यालय के आसपास का जल है वह नालियों में बह रहा है और वह धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा। मेरा नाम अनीता है और नगर निगम के मुख्यालय के पीछे ये सौख्ता टैंक बना हुआ है, ठीक है। और जब भी बारिश होती है तो ये वैसे ही धंसता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर कई लोगों ने देखा है बट यहाँ पे किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की अभी तक। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली स्थिति मिली जवाहर भवन इंदिरा भवन के अंदर। यहाँ पर भूगर्भ जल निदेशालय है, बावजूद इसके इन दोनों कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगाए गए हैं। पिछले कई साल पहले यहाँ पर जल संरक्षण करने की योजना बनाई गई थी, बावजूद इसके यहाँ पर वर्षा के जल की संरक्षित करने की कोई भी योजना नजर नहीं आई। जो सिस्टम यहाँ पर लगाए गए थे वह इस समय पूरी तरह से बदहाल पड़े हुए। सुशील कुमार बच्चा, महामंत्री, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ। जवाहर भवन इंदिरा भवन में लगभग 72 डिपार्टमेंट हैं और यहाँ पर लगभग 7-8 हज़ार कर्मचारी कार्यरत हैं और यहाँ भूगर्भ निदेशालय का कार्यालय भी है। भूगर्भ निदेशक कार्यालय बड़ा शर्म की बात है। अब अभी आप देख करके आए हैं कि देखिए पानी का संचय, वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था देख करके स्वयं आप आए हैं और यहाँ ना पानी का संचय का कार्य हुआ था और खराब पड़ा हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जहाँ पर भूगर्भ जल निदेशालय है उस जगह की स्थिति क्या है और किस प्रकार से बारिश के जल को संरक्षित नहीं किया जा सका है। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत लखनऊ।